हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। एंड इस चीज़ की मुझे आदत है, अभी इस चैनल को लगभग 6 साल तो यहाँ पे हो ही चुके हैं। सो कमेंट सेक्शन में इस प्रकार के कमेंट्स का रिपीटेशन होना, ये कोई मेरे लिए नई बात अभी नहीं रह चुकी है। इनफैक्ट अगर भविष्य की भी अगर मैं बात करूँ, जब निफ्टी कभी 30,000 का हो जाएगा, ठीक है, मतलब 25 का होगा, 26 का होगा, 28, 30, 35, 40, 50, इस प्रकार के कमेंट्स यहाँ पे आते रहेंगे, जो कि बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। बट यस, जो ये कमेंट्स से ये जो पूछे जाते हैं, ठीक है, इससे मुझे ये बात पता चलती है कि ये बिगनर लोग हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी भाई बिगनर ही होता है, ठीक है। और एक्सपर्ट लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है, बहुत सारे मतलब एक्शंस लेने पड़ते हैं, मिस्टेक्स करने पड़ते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, फिर कई सालों के बाद आप उस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे फिर वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, ठीक है, कई समय गुजारने के बाद आप बिगनर से क्या बन जाते हो, वहाँ पे एक अच्छा खासा वेल एक्सपीरियंस लेने के बाद एक्सपर्ट बन जाते हो, ठीक है। सो बताने का मकसद क्या है, ये जो सवाल ये पूछे जाते हैं, ठीक है, ये हमेशा बिगनर लेवल के ही सवाल देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा, इसमें कोई बुरी बात यहाँ पे नहीं है, पर जैसे मैंने ये भी बात आप लोगों को सिखाई है कि जब भी इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई चीज़ें अगर मैं आप लोगों को जवाब के फॉर्म में बताऊँ, तो उस चीज़ से आप लोगों को बाहर भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि 3-3 साल भी हो गए, फिर भी अभी भी उसी सवाल में अटके पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सवाल क्या है, बहुत ही सिंपल है भाई, कि सर निफ्टी 50 देखिए, निफ्टी 50 मतलब ये हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है भाई, हमारे शेयर बाजार को, इकोनॉमी को अगर देखना है भाई तो निफ्टी 50 को देखा जाता है, ठीक है। आज के दिन की भी बात करें तो निफ्टी 50 ने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑल टाइम हाई लगाया कि नहीं, ठीक है, तो बाजार एकदम रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और ये कॉमन सवाल हमेशा रहता है जब भी इस प्रकार के टाइटल्स बनते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, टीवी के ऊपर, बिजनेस चैनल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो ये सवाल पूछे जाते हैं, सर बाजार तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बट हमारा पोर्टफोलियो तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रहा है, हमारा पोर्टफोलियो तो माइनस में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। एक कॉमन सवाल यहाँ पे पूछा जाता है और इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, बट ऑब्वियसली काफ़ी नई ऑडियंस आती रहती है, बिगनर्स लोग आते रहते हैं, तो उनको तो सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो आप कंपेरिजन करते हो किसका, निफ्टी 50 का और अपने पोर्टफोलियो का, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बोल्ड में लिख कर बताना चाहूँगा, हाईलाइट करके, ये आपकी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। यस, वापस रिपीट कर रहा हूँ अगर मिस कर दिया होगा तो, कि आपकी ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। कौन सी, कि आप निफ्टी 50 को देखते हो कि ऑल टाइम हाई पे है, एंड उसी के साथ साथ आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो, अरे भाई वो पोर्टफोलियो तो ऑल टाइम हाई पे तो यहाँ पे नहीं है करके। यस, ये आपकी बहुत भारी वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है शेयर मार्केट की। इस चीज़ के चलते आप बर्बाद भी यहाँ पे हो सकते हो। मतलब क्या, देखिए ये इससे रिलेटेड आपको बेसिक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। कंपैरिजन का भी कोई सेंस होता है ना भाई, आप किसको कंपेयर कर रहे हो, आप सेंसेक्स को कर रहे होंगे, सेंसेक्स में कितने शेयर्स है भाई, 30 शेयर्स है। चलो सेंसेक्स इतना नहीं देखते, पुराने लोग देखते थे, हर कोई निफ्टी 50 को ही कंपेयर करता है, ठीक है। तो निफ्टी 50 में कितने शेयर्स है, 50 शेयर्स है। तो आपके पोर्टफोलियो में क्या निफ्टी 50 में जो 50 शेयर्स है, क्या वही 50 शेयर्स है? तो इस सवाल का जवाब आपको भी पता है, नहीं। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के शेयर्स है, हो सकते हैं निफ्टी 50 के कुछ शेयर्स हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, दस हो, बट इसके अलावा आपके पास मिड कैप के भी शेयर्स होंगे, स्मॉल कैप के भी शेयर्स होंगे, माइक्रो कैप हो सकते हैं, नैनो कैप हो सकते हैं, पेनी स्टॉक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके साथ शायद निफ्टी 50 का कोई भी शेयर ना हो, मिड कैप का ही सिर्फ हो, या फिर सिर्फ स्मॉल कैप का हो, या फिर मिड स्मॉल का हो, अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सो कोई सेंस की बात बनती नहीं भाई, जो आप निफ्टी 50 देख रहे हो वो इन 50 शेयर के परफॉर्मेंस की बात करें, कौन से 50 शेयर, जो कि आपको भी यहाँ पे पता है, ये देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, अदानी एंटरप्राइज, पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट, ये लंबी लिस्ट है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, मारुति, SBI लाइफ, टाटा स्टील, टाइटन, विप्रो, इन सब का अगर हम लोग बात करें, ये 50 शेयर्स आते हैं किसमें, अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी 50 में। तो ये जो 50 शेयर्स है, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस दिखाता है निफ्टी 50। एंड अगर आपके पास मान लीजिए कोई एक्स नाम का शेयर है, वाई नाम का शेयर है, जेड नाम का शेयर है, बी नाम का शेयर है, सी नाम का शेयर है, तो फिर वो इनको कैसे मैच यहाँ पे कर पाएगा? तो ये कोई सेंस की बात यहाँ पे बनती नहीं। हाँ, अगर आपको ये चाहिए क्या कि निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो भाई हमारा पोर्टफोलियो भी वैसा ही चले, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कॉमन सेंस वाली बात है, फिर आपको निफ्टी 50 के 50 शेयर है वही लेने पड़ेंगे, पूरे के पूरे लेने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही शेयर लिया करके, ठीक है, क्योंकि एक शेयर का परफॉर्मेंस नहीं है, वो 50 शेयर का परफॉर्मेंस है। उसमें भी ऐसा नहीं चलेगा कि अगर आप कहते हो कि चलो यहाँ पे सबके एक एक शेयर में उठा लेता हूँ, ठीक है, सबके एक एक शेयर उठा तो, और यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज की बात करूँ तो इसके 50 उठा लेता हूँ, नहीं, वो भी नहीं चलेगा, फिर वो मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, निफ्टी के वेटेज होते हैं, ठीक है, कि एक्सिस बैंक का कितना वेटेज है, बजाज ऑटो का कितना है, BPCL का कितना वेटेज है, सेम वेटेज के हिसाब से अगर आप शेयर्स का 50 शेयर का पोर्टफोलियो बनाओगे, फिर वो निफ्टी 50 जैसा चलेगा, आपका पोर्टफोलियो भी वैसा चलेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स फंड, आपने सुना है इंडेक्स फंड भी क्या होता है, यही तो होता है,
काफ़ी सारे लोग ऐसे होते जो चाहते कि भाई मेरा पैसा निफ्टी फिफ्टी के हिसाब से ग्रो हो। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी का परफॉर्मेंस क्या होता है, 5 साल में अप्रॉक्सीमेटली, 5 नहीं तो 6 साल में डबल करके देना। तो इंडेक्स फंड भी वैसा ही होता है, इंडेक्स फंड में भी तो वही चीज़ें होती है। या फिर ETF की अगर हम लोग बात करें, 20 की बात कर ले, तो वो भी क्या होता है, अल्टीमेटली यही चीज़ होती है कि 5 साल में आपको अप्रॉक्सीमेटली इंडेक्स जितना ही रिटर्न मिलेगा ये देखो डबल करके। तो अगर आपको वो परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आपको निफ्टी फिफ्टी के शेयर्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे विद सेम वेटेज, और आपको इंडेक्स फंड में निवेश करना पड़ेगा, या फिर आपको ETF या फिर निफ्टी 20 में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आपका एवरेज परफॉर्मेंस वैसा बनेगा करके। बट अगर आप इनमें यहाँ पे नहीं हो, आपके पास मिड कैप है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप भी है, इसका मिक्सचर का अगर आपके पास अगर पोर्टफोलियो है, तो डेफिनेटली ये जो मिस्टेक है आपने वो अवॉइड करनी है। कौन सी, कि आपके पोर्टफोलियो का आप कंपेयर करो निफ्टी फिफ्टी के साथ, अरे उसमें वो 50 शेयर है, उस ऊपर से वो लार्ज कैप है। सो वो परफॉर्मेंस आप लोगों ने यहाँ पे देखना, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, और उसको अननेसेसरी यहाँ पे कंपेयर यहाँ पे नहीं करना है। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा और अच्छे एग्जांपल से अगर समझ ले, ठीक है, आपको पता भी है कौन सा, पेनी स्टॉक्स। ठीक है, पेनी स्टॉक्स भी रहते हैं कि नहीं, 1 रुपया 2 रुपया, अगर प्राइस के हिसाब से 4 रुपया। मान लीजिए अगर कोई मिस्टर एक्स है, उसने पेनी स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया, 40 स्टॉक्स है भाई उसके पास। ठीक है, ऐसे शेयर्स है जो कि 4 रुपया 5 रुपया 1 रुपया 3 रुपया 10 पैसा 50 पैसा, ऐसे पूरा 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के रखा है, और वो कह रहा है कि भाई बाजार तो ऑल टाइम चल रहा है बट मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो तो चल नहीं रहा है करके। सो कोई सेंस की बात है ये, नहीं है ना? तो वैसे ही इवन दो अगर आपने डिसेंट कंपनीज भी अपने पोर्टफोलियो में चुनकर रखी होगी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, स्टिल आप उसको निफ्टी फिफ्टी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में 50 शेयर है वो लार्ज कैप है और उनका वेटेज है उस हिसाब से वो चलते हैं। तो इस चीज़ को समझो, ठीक है, वरना कितने सारे लोग ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहते ही है, ठीक है, इस चीज़ को लेके, अरे बाजार तो ऑल टाइम चल रहा है और मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं। और ये बिगनर लेवल का सवाल है, जो मार्केट में अच्छा टाइम गुजार चुके हैं उनको पता है भाई कि इसमें कोई सेंस की बात तो यहाँ पे बनती है नहीं। और आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, हमारा जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, ठीक है, आप देख सकते हो, 2 साल पुराना वीडियो है। कौन सा, उसका टॉपिक भी यही था कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स ये क्या कर देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद कर देंगे मतलब क्या, कि लोग इनको देखते हैं, इन इंडेक्स को देखते हैं और अपने पोर्टफोलियो को देखकर दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है भाई। आपके पोर्टफोलियो में कंपनीज कौन सी है वो मैटर करता है कि वो इंडेक्स को आउट परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे करके। सो इसको कंपेयर करना यहाँ पे छोड़ दो। सो दोस्तों, पहला वाला जो पॉइंट था लॉजिकली वो मैंने आप लोगों को बता दिया। देन दोस्तों हम लोग बात करें सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सा, इट टाइम। भाई आपने मार्केट में टाइम कितना दिया है वो मुझे बताओ। ये जो सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं, अगेन कह रहा हूँ, कोई गलत सवाल ये नहीं है कि सर इंडेक्स तो ऑल टाइम हाई पे है, बाजार ऑल टाइम हाई पे है, पोर्टफोलियो तो नहीं है। सो मैं बताना चाहूँगा कि आपने मार्केट में कितना टाइम दिया, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने जस्ट बाजार में अभी शुरुआत की है। यस, आपने डेफिनेटली जस्ट अभी अभी के आप इन्वेस्टर बने हुए हो, तो भाई अभी अभी आपने शुरुआत की है। तो अगेन कहना चाहूँगा, ये जो चीज़ें हैं कि बाजार भी ऑल टाइम हाई पे, पोर्टफोलियो भी एकदम टॉप पे जाने के लिए, इसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, आप कोई भी हो, आप कोई भी मतलब कोई भी क्यों ना हो, ठीक है, इन चीज़ों की शुरुआत अगर आपने अभी की है तो आपको उतना टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मार्केट के जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो आपके झेलने पड़ेंगे, आपको झेलने पड़ेंगे, तब जाके आप उस सिचुएशन में आओगे। कौन से सिचुएशन पे, कि निफ्टी यहाँ पे बाजार ऐसा ज़बरदस्त टॉप पे चल रहा है और आपका पोर्टफोलियो उससे भी ज़बरदस्त टॉप पे यहाँ पे चल रहा है, तो इसके लिए टाइम यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, और ये मतलब ये प्योर एकदम नॉर्मल सी लाइफ की लॉजिकल बात है भाई। आपने साइकिल कभी तो चलाना सीखा होगा, ठीक है, क्या एक दिन में सीख गए? ठीक है, अगर कोई साइकिल एकदम ज़बरदस्त चला रहा होगा तो क्या आपने आज स्टार्ट करके आप ये कह रहे हो अरे यार मैं तो उतना नहीं चला पा रहा हूँ, तो कैसा होगा? नहीं ना, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। कोई भी चीज़, स्विमिंग करने के लिए गए होंगे एक ही दिन में सीख गए? नहीं ना, टाइम देनी पड़ती है भाई। आप अगर किसी भी चीज़ में अगर शुरुआत यहाँ पे की है, जस्ट अभी शुरुआत यहाँ पे की है, तो इस फील्ड में मास्टरी होने के लिए आपको टाइम लगता है भाई। मैंने जैसे वीडियो के शुरुआत में ही कहा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे आपसे, काफ़ी लॉस उठाना पड़ेगा आप लोगों को, अच्छा अच्छा प्रॉफिट भी होगा, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिलेगा, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, अच्छा कि आज मार्केट यहाँ पे और मेरा पोर्टफोलियो भी यहाँ पे है करके। ठीक है, बट आप ये सोच रहे हो कि भाई कि किसी का एकदम ज़बरदस्त बगीचा आप देख रहे हो, बगीचा मतलब पोर्टफोलियो की अगर मैं बात करूँ, एकदम ज़बरदस्त बगीचा बना हुआ है, ज़बरदस्त रिटर्न हरे भरे देखने को मिल रहे, तो भाई उसने बहुत सालों पहले उसका प्रिपरेशन करके रखा हुआ था, 4-4, 5-5 साल उसने यहाँ पे होल्ड किया होगा, कोविड झेला होगा, 60% का क्रैश देखा होगा, तब जाके वो आज वो पोर्टफोलियो को डिजर्व करता है। सो आपको वो इमिडिएटली नहीं मिलेगा, उसके लिए जैसे मैंने आपको कहा, ये तो रूल है भाई, ये तो लाइफ का रूल है कि आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको ये चीज़ें दिमाग में छप जाएगी। कौन सी, कि अगर मैं मेरे पहले यूट्यूब वीडियो की बात करूँ, ठीक है, आज भी है वो वीडियो, आप देख सकते हो जाके, ठीक है, उस वीडियो में जाकर, पहला वाला वीडियो मेरा जाकर देख लेना कि तभी मैं कैसे बात करता था। तभी मुझे भी लगता था कि अरे भाई बाकी लोग कैसे वीडियोस बनाते, देखिए उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनके बोलने का तरीका देखिए, आप जाकर मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो। और आज
लगभग 4-5 साल यहाँ पे हो चुके, 6 साल हो चुके और इस वीडियो को आप देख रहे हो, आपको फ़र्क नज़र आएगा। सो सेम चीज़ है दोस्तों, मार्केट में भी अगर आप लोगों को उस प्रकार का सक्सेस चाहिए, मार्केट क्या किसी भी फील्ड में आपको टाइम देना पड़ेगा। आप बोलोगे कि नहीं नहीं भाई, मैं टाइम देने के लिए तो यहाँ पे रेडी नहीं हूँ, तो फिर आप उस फील्ड पे मतलब बोलते हैं ना, एक्सपर्टीज कभी हासिल नहीं कर पाओगे आप उतना, कभी मतलब बोलते हैं ना अच्छा कर ही नहीं पाओगे किसी भी फील्ड में। सो ये चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है भाई, कि अगर आप ये कहते हो कि पोर्टफोलियो यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे नहीं है और बाज़ार तो टॉप पे यहाँ पे चल रहा है, तो मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसका कंपैरिजन तो भाई कोई सेंस की बात बनती ही नहीं है। आपके पास मिड कैप स्मॉल कैप होंगे तो वो निफ्टी फिफ्टी को कैसे यहाँ पे मतलब कंपेयर आप कर पाओगे करके, वो तो लार्ज कैप के हिसाब से है, ठीक है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आपको ये भी बात अच्छी तरीके से पता है फिर भी अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो, तो इसके पीछे का रीज़न है आपने जस्ट अभी शुरुआत की है भाई, आप टाइम तो दो। आज क्या चल रहा है, 24 चल रहा है ना, आप टिके तो रहो मार्केट में, 2030 तक टिके रहो, ठीक है। 2030 की बात करो ना, तो मार्केट बड़े बड़े को अच्छे अच्छे उनको बाहर निकालेगा, क्यों, कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा भाई, बाजार को गिराया जाएगा, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी रीज़न मिल जाएगा भाई, कोई किसी के ऊपर अटैक कर देगा, चाइना बैठा है ताइवान के ऊपर कुछ अटैक करेगा, जोरदार मार्केट गिरा देगा, कभी भी हो सकता है, वी डोंट नो, इसी साल हो जाए या फिर 5 साल के बाद कुछ तो होगा, और तब देखा जाएगा काफ़ी लोगों को वो बाहर निकालेगा, ठीक है। और फिर वापस 2030 में आके चेक कर लेना कि आप कहाँ पे हो, फिर भी अगर आप टिक गए ना दोस्तों, बिलीव मी, तो फिर आप अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। सो होल कंक्लूजन इज वॉट, कि आज के बाद अगेन इंडेक्स को देखकर अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर यहाँ पे मत कर लेना। एंड अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है तो भाई टाइम दे दो, रातों रात पेड़ ऐसे बड़े नहीं बनते, रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता है भाई, ठीक है। पहला जो अर्निंग करने के लिए आपको काफ़ी टाइम यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसके बाद वो कंपाउंडिंग का मैजिक स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है। सो काफ़ी बड़ा थियोरिटिकल वीडियो था, फिर भी अगर आपने इसको यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, तो जस्ट कमेंट सेक्शन पूरा देखा होगा तो यस करके यहाँ पे लिख देना, तो मुझे भी समझ में आ जाता है भाई कितने लोग आखिर तक यहाँ पे टिके करके, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।